स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं और अब तीसरी एक्सरसाइज है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है। ओके, चूज एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अबव। तो लिस्ट अबव जो एक्सरसाइज नंबर 2 में जो लिस्ट थी, ओके, उसमें हमें 10 वर्ड्स को चूज करना है और उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो मैंने चूज कर लिए हैं वर्ड्स और उन पे सेंटेंसेस भी बना लिए हैं। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो वर्ड मैंने चूज किया है वो है एंसेस्टर्स, नंबर 2 माइग्रेट, नंबर 3 हारमोनी, नंबर 4 प्रोहिबिटेड यूनिफाइड, एस्ट्रे बीवेयर, इक्वाइटेबल प्रिंसिपल अलायंस। तो ये 10 वर्ड्स मैंने चूज किए हैं। ओके, नंबर 1 जो वर्ड है उसका सेंटेंस देखते हैं। तो नंबर 1 जो वर्ड है वो है एंसेस्टर्स। इसका जो सेंटेंस बनाया है मैंने वो है शाहब्दुल लतीफ एंसेस्टर्स वर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो शाहब्दुल लतीफ भिटाई जो है एक सिंधी शायर है जिसके बाप दादा जो थे वो अफगानिस्तान से थे। ओके, उसके बाद नंबर 2 वर्ड है वो है माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टू लिव, एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना। तो इस पे जो सेंटेंस मैंने बनाया है वो है अली वांट टू माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। ओके, तो जो अली है वो पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाहता है। ओके, या हिजरत करना चाहता है। उसके बाद नंबर 3 वर्ड है वो है हारमोनी। हारमोनी जो वर्ड की मीनिंग है अमन। ओके, तो वी शुड लिव विद हारमोनी, हमें अमन के साथ रहना चाहिए। ओके, तो इसकी जो मीनिंग है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। हारमोनी के बाद जो वर्ड है वो है प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड की मीनिंग है मना करना। ओके, किसी चीज़ की। तो इसका जो सेंटेंस है वो है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोक करना है वो मना है। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है यूनिफाइड। तो यूनिफाइड की मीनिंग है एक करना या जोड़ना। ओके, तो इसका सेंटेंस है अंकल नूर अली सेटल देयर डिस्प्यूट, उनका झगड़ा जो है उसे अंकल नूर अली ने सेटल किया, हल किया और उन्हें एक कर दिया फिर से। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है एस्ट्रे। तो एस्ट्रे की मीनिंग है गुमराह करना। तो सेटन ऑलवेज एस्ट्रेस पीपल। ओके, तो शैतान है वो लोगों को हमेशा गुमराह करता है। ओके, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए। तो उसके बाद जो वर्ड है वो है बीवेयर। तो बीवेयर की मीनिंग है केयरफुल होना। ओके, होशियार रहना किसी भी चीज़ में। तो वी शुड बीवेयर ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो हम ड्राइव जब करते हैं तो उस वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। ओके, उसके बाद वर्ड है इक्वाइटेबल। ओके, तो इफ़ आवर सोसाइटीज पीपल फॉलो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेजेस, अगर हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस को फॉलो करते हैं, ओके, तो हमारी सोसाइटी जो है वो इंसाफ पसंद सोसाइटी बन जाएगी। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की मीनिंग है उसूल। ओके, तो प्रिंसिपल का जो सेंटेंस है वो है ऑनेस्टी जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अवर सोसाइटी। ओके, तो ये हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा है। उसके बाद जो वर्ड है वो है अलायंस। तो अलायंस की मीनिंग है रिश्ता। ओके, एक होना। तो लेट्स फॉर्म अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी, तो इसकी मीनिंग है कि आए गुर्बत के खिलाफ मिलके काम करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।